हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर कुमार मिनरवा जनरल क्लास में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। इससे पहले हमने नंबर सीरीज का पार्ट वन वीडियो लोड किया था, आज पार्ट टू वीडियो है। आइए हम नंबर सीरीज का जो शेष क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। ऑप्शन मेरे साथ में कितना आंसर आएगा? चलिए हम देख रहे हैं, तीन गुने दो छः हो जाएगा, छः प्लस तीन नौ हो जाएगा, नौ गुने चार छत्तीस हो जाएगा, छत्तीस प्लस पाँच इकतालीस हो जाएगा। तो इकतालीस गुने छः आपका आंसर हो जाएगा 246। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सात तेईस पंचानवे वाट 2879। चलिए ऑप्शन हम चेंज कर लेते हैं, 280 312 489 इसके बाद हो जाएगा 582। चलिए बनाइए, देखिए इसका क्या आंसर आना है। सात गुने तीन प्लस दो तेईस, और तेईस गुने चार और प्लस तीन, तो चार तीन बारह बानवे और तीन पंचानवे, और पंचानवे गुने पाँच और प्लस चार, तो ये आपका हो जाएगा पचास पच्चीस और चार उनतीस के नौ, हाथ में दो हम पीछे पैंतालीस और दो सैतालीस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 189 172 138 इसके बाद व्हाट, अब उसके बाद है 19। ऑप्शन हम चेंज कर लेंगे, उन्नासी बयासी अंठावन सतासी। चलिए बनाइए, देखिए क्या आंसर आ रहा है इसका। तो 89 में से 172 जाएगा, तो 9 में से 2 गया 7 और 18 में 17 माइनस 17 यहाँ हो जाएगा 72 और 138 138 तो यहाँ हो जाएगा 3 32 34। तो यहाँ देख रहे हैं 17 का अंतर, यहाँ 34 का अंतर, तो यहाँ 51 का अंतर होना चाहिए, तो 8 में से 1 गया हो जाएगा आपका 7 और 13 में से 5 गया 8, 87 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 17 44 108 वाट 449। ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, 233 480 329
215। चलिए बनाइए, देखिए आंसर क्या आ रहा है। तो यहां अंतर देख रहे हैं +8 का, यहां अंतर हो जाएगा 17 × 3 = 20 आ जाएगा, यानी 27 का। यहाँ अंतर हो जाएगा 4 × 10 = 6 = 64 का। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, तो यहाँ अंतर हो जाएगा 125 का 5 का क्यूब। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 108 में 125 जोड़ देंगे, 8 × 5 = 13, 2 × 1 = 3, 1 × 1 = 233 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8, 7, 12, 33, 128 उसके बाद वाट, ऑप्शन हम चेंज कर लेते हैं। दो सौ बारह, 324, 220 और 635। चलिए बनाइए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 8 × 1 − 1 = 7, 7 × 2 − 2 = 12, 12 × 3 − 3 = 33, 33 × 4 − 4, 4 × 3 = 12, 132 × 4 = 128, तो हो जाएगा 128 × 5 − 5, 8 × 5 = 40, 40 × 5 = 35, 5 × 4 = 4, 12 × 5 = 60, 4 × 4 = 64। आठ बाई चालीस के 0 × 4 = 4, 12 × 5 = 60, 40 × 5 यानी 635 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16, 8, 8, 12, 24 वाट। चलिए ऑप्शन दे देते हैं, 32, 48, 52, 60। तो देख रहे हैं कि ये घट रहा है फिर बढ़ रहा है सीरीज। तो जब घटे और बढ़े तो समझ लेंगे क्या, अब बताएंगे कैसे क्या होगा जब घट रहा हो सीरीज या फिर बढ़ रहा हो। तो 16 × 0.58, 8 × 1 = 8, 8 × 1.5 = 12, 12 × 2 = 24, 24 × 2.5 = 48, 12 = 60 आपका हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5, 10, 30, 120 वाट और 3600। ऑप्शन इसका चेंज कर लेते हैं, 600, 340, 450, 558। तो 5 × 2 = 10, 5 × 3 =
तीस गुने चार तो 120 गुने पांच यानी आपका आंसर हो जाएगा 600। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 34.7 32.1 28.2 उसके बाद वाट। ऑप्शन को हम चेंज कर लेते हैं 21.4 23.3 23 और 22.5। चलिए बनाइए दशमलव वाला है। वैसे दशमलव वाला बहुत सारे लोग देखकर 90% जो लोग हैं वो क्या करते हैं क्वेश्चन को छोड़ देंगे कि टॉप लेवल का होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। टॉप लेवल का नहीं होता है दशमलव वाला। तो यहां कितना का अंतर है, 36 में से अगर 2 बचते हैं तो 34 आता, यानी यहां 0.7 बढ़ गया, यानी ये हो गया 1.3। कितना घटा है, -1.3। यहां कितना घटा है, तो 7 में से 6 गया 1 यानी 0.6 और 34 दो 32 यानी 2.6 26 39 यहाँ होना चाहिए, तो 39 घटे तो 11 में से 9 हो गया 2 और 3 32 में तो चूंकि वो हर से मिल गया है तो 31 में 3 गया 28 यानी 3.9 तो आगे घटेगा 53 52 5.2 0.2 खत्म हो गया और कितना आ जाएगा 23 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 26 32 44 64 अब उसके बाद वाट। ऑप्शन को हम चेंज कर लेते हैं 94 101 98 हमारे ये हो जाएगा 82। चलिए बनाइए देखिए क्या आंसर आ रहा है। 2 का अंतर है, यहां 6 का अंतर है, यहां 12 का अंतर है और यहां 20 का अंतर है। अब यहां देख रहे हैं तो +4 का अंतर है, यहां +6 का अंतर है, यहां +8 का अंतर है, तो आगे +10 का अंतर होगा यानी 30 का 64 में 3 जोड़ेंगे आपका 94 आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 57 84 255 2992.5 इसमें गलत चुनना है, इसमें क्या चुनना है, गलत चुने। इसमें गलत संख्या चुनना है। ऑप्शन हम दे देते हैं 94 855 2992.5 और यह हो जाएगा 285। चलिए बनाइए। दशमलव वाले जो क्वेश्चन है अधिकतर 90% जो छात्र हैं
वो दशमलव छोड़कर ही क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि हमसे बनने वाला नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है कि दशमलव वाला हार्ड होता है, आसान होता है अभी, और देखिए कैसे ये बन रहा है। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो यहां देख रहे हैं, अगर हम दशमलव का अर्थ है कि दशमलव के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, तो 38 और 57, यानी अगर 38 में हम 1.5 से गुना कर दे तो 57 आ जाएगा, अगर 57 में हम 2 से गुना कर दे तो 114 हो जाएगा। तो 114 में जब यहां से यहां आधा बढ़ा, तो 2.5 से अगर गुना कर दे 7 5 35, 3 5 25, 3 28, 57 2 114, 114 में अगर 2.5 से गुना कर दें तो 2 5 और 1 14 7, 7 5 35 के 5, ठीक है, 7 5 35 के 5, 8 5 25 3 28, यानी 285, यानी आपका गलत क्या है, तो 57 × 2 यहाँ 94 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 114, ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 114, यानी 94 गलत है, वहां क्या होगा, 114 होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अड़तालीस 74 126, 230, 434 और 854, इसमें भी आपको बड़ा संख्या चुनना है। ऑप्शन आपको दे देते हैं, ऑप्शन ए में है 126, बी में है 854, सी में है 74 और डी में है 434। चलिए बनाइए, देखिए क्या हो रहा है इसका आंसर। बहुत ही मजा आ रहा है ये सब सीरीज टेस्ट करते हुए, क्योंकि हमें इसमें बहुत दिमाग की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आसानी से एक कंसेप्ट के माध्यम से आप बना रहे हैं इसको, बहुत ही मजा आ रहा होगा। चलिए बनाइए इसको, देखिए क्या हो रहा है। चलिए तो यहां देख रहे हैं कि 48 और 74, तो 14 में से 8 गया 6 और यह हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, यानी प्लस 26 कह सकते हैं। यहां देख रहे हैं कि 6 में से 4 गया 2 और 12 में 7 गया 52, यानी प्लस 52 हो रहा है। यहां देख सकते हैं कि यहां 4 हो जाएगा और 10 में से 6 गया 4, 22 में से 12 गया 10, यानी 104। कुछ पैटर्न पर हम चले आए कि 26 × 52, 52 × 104, अब 104 × कितना हो जाएगा, 208, 26 × 52, 52 × 104, तो 208 होना चाहिए, तो 8 यहां होना चाहिए, यानी यह होना चाहिए आपको कितना, तो यहां हो जाना चाहिए 8 और 3 और 2 2 4, 438, यानी 434 आपका क्या है, गलत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 23
छियालीस तिरासी 163 323। इसमें भी आपको गलत चुनना है। चलिए ऑप्शन को हम चेंज कर देते हैं, 46 हो जाएगा, 323 हो जाएगा, 163 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। इसमें भी आपको गलत संख्या चुनना है। तो हम देख रहे हैं कि 13 × 2 − 3 यानी 23 हो गया। अब 23 × 2 − 3 46 में से 3 गया, 43 हो जाएगा। अब 43 × 2 − 3 तो 43 × 86 में से 3 गया, 83 हो जाएगा। 83 × 2 − 3 8 × 16 = 166 में से 3 गया, 163 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा क्या गलत है, 46 गलत है। यहाँ क्या होना चाहिए, 43 होना चाहिए। इस प्रकार आपका आंसर यह हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8, 10, 15, 26, 8, 10, 15, 26, 43, 63। इसमें भी आपको गलत संख्या चुनना है। ऑप्शन हम चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 8, 15, 26 और 63। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आ रहा है। वीडियो के अंत में हम आपको 5 होमवर्क के तौर पर आपको सीरीज देंगे, जिसको आप बनाकर कमेंट बॉक्स में भेजिए कि आपका कितना आंसर आ रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत मजा आएगा पढ़ाने में भी, और आपको भी बहुत मजा आएगा बनाने में। आपसे बन रहा है कि नहीं ये भी हम क्लियर होगा, और बनता है तो हमें बहुत ही संतुष्टि होगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए तो यहाँ देख रहे हैं कि +2, यहाँ देख रहे हैं +5, यहाँ देख रहे हैं कि +11, यहाँ देख रहे हैं कि तो 13 में से 6 गया 7, तो ये गया 3 में से 2 गया 1, +17, यहाँ देख रहे हैं कि +20। यह हम देख रहे हैं कि सब क्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, लेकिन एक छोड़कर है। जैसे 2 के बाद यहां 3 होना चाहिए तो 3 नहीं है, 5 के बाद 7 होना चाहिए तो 7 नहीं है, 11 के बाद 13 होना चाहिए नहीं है, तो 17 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होना चाहिए, तो 19 को छोड़ देना चाहिए यहां, और क्या रखना चाहिए, 23। तो इस प्रकार 43 में आप 23 जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाना चाहिए, 66। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, 63। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2, 6, 12, 20, 30 उसके बाद 8 है। ऑप्शन को हम चेंज कर देते हैं। पैतीस 40 42 और 56। चलिए बनाइए, देखिए क्या हो रहा है। तो हम देख रहे हैं 2 को आप क्या लिख सकते हो, तो 1 × 2, 6 को क्या लिख सकते हो, 2 × 3, 12 को क्या लिख सकते हो, 3 × 4, 20 को 4 × 5, 22 को 5 × 6, तो आगे क्या लिखेंगे, 6 × 7, यानी आपका क्या हो जाएगा, 42।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो आठ बत्तीस बानवे दो सौ बारह उसके बाद वाट, ऑप्शन को चेंज कर लेते हैं। तीन सौ पंद्रह चार सौ बीस चार सौ बाईस तीन सौ पचासी। चलिए बनाइए देखिए क्या है। तो यहां अंतर देख लिए प्लस छ, यहां देख लिए अंतर प्लस चौबीस, यहां अंतर देख लीजिए जीरो, प्लस साठ का यहां अंतर देख लिए बानवे और एक सौ बीस, बानवे और एक सौ बीस जीरो बारह नौ इक्कीस यानी प्लस एक सौ बीस का। तो हम देख रहे हैं कि दो का क्यू माइनस दो, तीन का क्यू माइनस तीन, चार का क्यू माइनस चार, पांच का क्यू माइनस पांच, तो आगे क्या हो जाएगा छ का क्यू माइनस छ, यानी दो सौ सोलह में से छ गया प्लस हो जाएगा दो सौ दस, जोड़ कर लिख देंगे दो हो जाएगा, दो हो जाएगा दो दो चार हो जाएगा, चार सौ बाईस आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आज हमने कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखे नंबर सीरीज से संबंधित। चलिए आइए हमको आपको पांच वो होमवर्क दे रहे हैं जिसका आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर लिखकर बताइए कितना होगा। चलिए तो ये लिख देते हैं हम आपको। पहला क्वेश्चन हो जाएगा सोलह तैतीस वाट चार सौ एक दो हजार छ एक सौ बीस सैतीस, ऑप्शन इसका दे देते हैं सड़सठ सौ एक सौ इक्कीस और एक सौ बत्तीस। कमेंट बॉक्स में आपको बढ़ाकर जरूर इसको भेजना है कि कितना आंसर आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा उन्नीस सौ चौवालीस एक सौ बासठ वाट उसके बाद तीन अंत में एक, इसका ऑप्शन हो जाएगा बारह अस्सी अठारह बयालीस। चौथा आपका क्वेश्चन हो जाएगा एक सौ बारह वाट तिरासी सत्तर अंठावन सैतालीस सैतीस, इसका ऑप्शन हो जाएगा एक सौ चार, बी में हो जाएगा चौरानवे, सी में हो जाएगा संतानवे और डी में हो जाएगा सौ। पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा बयासी वाट एक सौ उन्नीस एक सौ बयालीस एक सौ अड़सठ एक सौ संतानवे। पहला ऑप्शन हो जाएगा बानवे, बी में हो जाएगा पंचानवे, सी में हो जाएगा निन्यानवे और डी में हो जाएगा नवासी।
तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखकर इन पांचों क्वेश्चन का आप आंसर बताइए कि कितना आना है। आपसे बनेगा तो हमें बहुत खुशी होगी और बहुत ही मजा आएगा। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।